नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ, आपको पता है साथियों, सऊदी अरबिया की इंडिया से सऊदी अरबिया जाने के लिए फ्लाइटें पिछले 14 महीने से बंद पड़ी है। जी हाँ साथियों, मार्च में बंद हुई थी, ये मार्च से अप्रैल खत्म हो जाएगा और अभी मई लग जाएगा, यानी 15 महीने के करीब होने वाले हैं इंडिया से सऊदी के लिए फ्लाइटें बैन है। जी हाँ, और आपको पता है कुछ संभावना बनी थी कि भाई मार्च के बाद में अप्रैल में फ्लाइटें स्टार्ट होने की, लेकिन आपको पता है ये कोविड की वजह से मुझे नहीं लगता अभी सऊदी इंडिया की फ्लाइटें चालू करेगा। आने वाले समय की बात कर रहा हूं, अभी का तो चांस ही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक एक अल्टरनेट निकाला गया था कि भाई नेपाल से सऊदी के लिए लोग जा रहे थे। जी हाँ, नेपाल से इंडिया सऊदी के लिए फ्लाइटें चालू थी, आप सबको पता ही है। और खास तौर से मैं जहां से बिलोंग करता हूं, यहां सकावटी बेल्ट है जिसको बोलते हैं, यहां के बहुत काफ़ी मात्रा में लोग सऊदी अरबिया रहते हैं, तो यहां के जो ट्रेवल एजेंट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने एक तोड़ निकाल के रखा था कि भाई यहां के लोग वो नेपाल लेके जाते, नेपाल में कुछ दिन रुकते, वो रुकने के बाद में वहां पे कोविड टेस्ट रिपोर्ट करवाते, पीसीआर टेस्ट जिसको बोलते हैं, और वहां से फिर वो नेपाल से सऊदी अरेबिया में एंट्री कर रहे थे, और ये काफी टाइम से ये सिस्टम चल रहा था। जी हाँ, लेकिन जैसे ही मैं बता दूं, काफी लोग इंडिया से गए भी हैं, और जिनकी बात करूं, चार्जेस की बात कर लेते हैं पहले, तो भाई चार्जेस कम से कम 70,000 से 80,000 के बीच में एक कैंडिडेट का अपने घर से लेके और सऊदी पहुंचने तक का खर्चा आ रहा था, जिसमें टिकट भी है, पीसीआर टेस्ट है, रहने खाने का टोटल खर्चा वगैरह सब कुछ है इसमें 70,000 से 80,000 के बीच में। लेकिन फिर भी लोग इतना पैसा देके जा रहे थे, जिनका वीजा वैलिड है, जो छुट्टी आए थे, जो जैसे तैसे करके सऊदी पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि सऊदी में जो लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से फ्लाइटें बंद होने की वजह से इंडिया से वो नहीं जा पा रहे। तो एक अल्टरनेट था कि भाई यहां से नेपाल जाएं, नेपाल आराम से इंडिया के लोग जा सकते हैं, आप सबको पता ही है, कोई रोक टोक नहीं थी, वीजा की भी जरूरत नहीं होती, यहां से बस में बैठो कैसे भी पहुंच जाते हो, फ्लाइट से कैसे भी एक्सवाइजेड, वहां रुकने के बाद वो वहां से सीधा सऊदी पहुंच जाते। जी हाँ, लेकिन भाई सऊदी जो अभी बात करें, इंडिया के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ना, ये इतने ज्यादा डरावने हैं कि हर कोई देश इनसे डरने लगा है। जी हाँ, कोविड हो रहा है इंडिया में, लोग मर रहे हैं इंडिया में, बीमारी इंडिया में फैल रही है, लेकिन पड़ोसी देश भी डर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि भाई वहाँ इंडिया के लोग हमारे देश में आए और यहाँ पे कोविड फैल जाए और हमारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। जी हाँ, तो बता दूं भाई 25 अप्रैल को जो सऊदी का नेपाल का जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, उन्होंने साफ साफ एक अपना एक आदेश जारी कर दिया। उस आदेश में हालांकि इंडिया का पर्सनली नाम उसमें नहीं लिया गया है, लेकिन उसमें यह बताया गया है भाई कोई भी थर्ड कंट्री का कैंडिडेट, दूसरे थर्ड कंट्री जाना चाहता है, कोई भी देश का बंदा नेपाल में कोविड टेस्ट रिपोर्ट करवाता है दूसरे तीसरे देश में जाने के लिए, तो वो आज से बंद किया जाता है। जी हाँ, 25 अप्रैल से नेपाल में जो लोग 25 अप्रैल के बाद में जो कोविड टेस्ट करवाएंगे उनका कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है और ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं इसको। मेरा कोई साथी था मेरे गांव का, वो गया था नेपाल से, उसने मुझे भेजा है कि भाई 25 तारीख से इस सब को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, तो भाई इंडिया के जो लोग नेपाल जाके सऊदी जाना चाह रहे थे वो ना जाएं, और अभी रास्ते में हैं तो आपका कोविड रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट वहां पे नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये सऊदी वहां का जो नेपाल का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने घोषणा कर दी है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। हालांकि नेपाल ने इंडिया का नाम नहीं लिया भाई, क्योंकि इंडिया का नाम तो इतना आसान नहीं है लेना कि खास तौर से इंडिया के लोग नेपाल में कोविड टेस्ट नहीं करवा सकते विदेश जाने के लिए, लेकिन एक सर्कुलर जारी करके ये बोल दिया, इनडायरेक्टली ये इंडिया के लोगों के लिए है, खास तौर से उन्होंने हवाला दिया है कि भाई दूसरी देशों के लोग इंडिया आ रहे हैं, नेपाल आ रहे हैं, और यहां पे इस वजह से कोविड के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये गाइडलाइन जारी करी है। तो भाई जो नेपाल होकर सऊदी जाना चाह रहे थे, 25 अप्रैल से आपका कोविड रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जिसको पीसीआर रिपोर्ट बोलते हैं। तो बस ये अपडेट आपको देनी थी, नेपाल के रास्ते सऊदी जाने की जो सोच रहे थे वो मैटर खत्म हो चुका है, भूल जाओ उसको, बस ये अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।